तीसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अनुराग कश्यप की मुक्काबाज। यस फ्रेंड्स, मुक्काबाज में विनीत सिंह एक बॉक्सर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डायलॉग है जब वो अलीगढ़ में एक छोटा सा टूर्नामेंट होता है वहां से एक छोटा सा कप जीत के आते हैं जिसके कप के ऊपर ढक्कन लगा हुआ रहता है। जब वो कप लेके अपने बाप के हाथ में देते हैं उसका बाप उसकी पूरी पिक्चर में वाट लगाता है कि वो बेकार है, नकारा है, काम नहीं करता। लेकिन जब उसका बाप विनीत सिंह से कहता है ई का है भाई कप इतना छोटा कप ऊपर ढक्कन क्या करोगे भाई ढक्कन वाले कप का, उसके बाद विनीत सिंह की जो सटकती है और अपने बाप को सुनाता है क्या बोला कप है हाँ ये कप दिख रहा है, ये कप के ऊपर जो ढक्कन दिख रहा है इससे दो काम हो सकता है। एक, इसको अगर मुंह में डालिएगा ना तो आपका मुंह का बकवास बंद हो जाएगा। ये कप को, कप के ढक्कन को गांड में डालिएगा ना तो हगाज बंद हो जाएगा। क्या बोलते रहते हैं हमको हाँ हाँ क्या बोलते रहते हैं, पढ़ता नहीं लिखता नहीं जाता पढ़ा है हमारे दिमाग में नहीं पढ़ सकते हैं। एक ही चीज आता है बॉक्सिंग करना हाँ, पैसा नहीं हमारा बॉक्सिंग पैसन, और खुद का उखाड़ लिया भाई जिंदगी में। अपने एक ठो अचीवमेंट बताइए हाँ, एक ठो अचीवमेंट बताइए जिंदगी में, बोलते हैं पढ़ते नहीं है लिखते नहीं है, खुद देखिए खुद का गणित जीरो है, अम्मा का गणित जीरो है। जब अम्मा और पापा का गणित जीरो होगा तो हम क्या आर्यभट्टा के औलाद पैदा हुए का क्या है ये। एक बात याद रखिए पापा जी, बॉक्सिंग हमारा पैसन है पैसन, और हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा बेटा, बाप के पैसे से फैशन करोगे, हम जा रहे हैं घर से छोटे अम्मा, हम जा रहे हैं हम वापस नहीं आएंगे। वेल फ्रेंड्स, विनीत सिंह ने जो काम किया इस फिल्म में और अनुराग कश्यप का डायरेक्शन, ये एक फिल्म नहीं है, ये समाज को आईना दिखाती है किस तरह एक दो नौजवानों की प्रेम कहानी दिखाकर डायरेक्टर हम पे एक ऐसा व्यंग कसते हैं। और फ्रेंड्स, इस एक रोमांटिक लव स्टोरी के आड़ में, इस रोमांटिक लव स्टोरी के पर्दे के पीछे अनुराग कश्यप कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो इंडिया का कोई डायरेक्टर गुदा नहीं रखता बात करने के लिए। और मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा सेंसर बोर्ड को कि इस फिल्म को पास किया। किस तरह फर्स्ट सीक्वेंस में कुछ लोग दो लोगों की पिटाई कर रहे हैं, उनके बाजू में गाय बंधी हुई है, और जब उनको मार के कहते हैं बोल साले तू गाय को मारने के लिए आया था, बोल तू गाय का गोश्त खाता है, बोल तू गाय का मांस खाता है, वो सीन दर्शाता है किस तरह गौ रक्षक हिंदुस्तान में बस धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं, अत्याचार करते हैं, और किस तरह एक धर्म की पॉलिटिक्स चलती है। जिमी शेरगिल जो ऊंचे जात का ब्राह्मण है, जब रवि किशन आता है अंदर तो उसको पूछता है कि बैठिए, और जब रवि किशन कहता है कि वो बहुत ही नीची जात का आदमी है, तब रवि किशन के सामने जिमी शेरगिल जो कहता है कि आजकल तो राजपूत लोग भी सिंह लगाकर बामण बनने लग गए, अग्रवाल लोग भी अपने आप को ऊंच जाति के समझते, तुम तो साला एकदम नीचे जाति के हो, मैं उस जाति का नाम नहीं लूंगा। उसके बाद किस तरह जिमी शेरगिल वेटर को बुला के कहता है एक काम कीजिए इसके अलग ग्लास में पानी लाइए, ये हमारे साथ बैठने का औकात नहीं रखता। अनुराग कश्यप की इस फिल्म इतनी हार्ड हिटिंग है, और राइट ऑन द फेस मैं तो बोल सकता हूँ अनुराग कश्यप की बेस्ट मूवी आफ्टर ब्लैक फ्राइडे कोई होगी तो वो है मुक्काबाज। गैंग्स ऑफ वसीपुर को तो फिल्म दूर दूर तक छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें है विनीत सिंह। आज के जमाने में जब बॉलीवुड में जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स है अपनी घिस घिस के लोखंड वाला में मर जाते हैं, यहाँ पे खड़ा है विनीत सिंह। 2002 में मैंने इसको पहली बार संजय दत्त की फिल्म हथियार में देखा था, उसके बाद जब इसने अगली में जो परफॉर्मेंस दिया मैं इसका फैन हो गया। लेकिन इस फिल्म में अगर आप गए इस फिल्म को देखने के लिए और आपको विनीत सिंह का बुखार सर पे नहीं चढ़ गया, मेरा नाम बदल देना गाइस, दिस इज सिनेमा पार एक्सीलेंस एंड अनुराग कश्यप मास्टरपीस। आई मीन इस तरह भी कोई फिल्म बना सकता है। एक मामूली स्टोरी है गाइस, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उसका झगड़ा उसके चाचा के साथ हो जाता है, और चाचा उसकी जिंदगी झंड कर देता है, और चाचा बोले तो कैसा चाचा जिमी शेरगिल, और भगवान जिमी शेरगिल भाई जब काम किया ना पिक्चर में किसी का बाप नहीं कर पाएगा इंडस्ट्री में। पहला सीन जब विनीत सिंह उसको एक रपाट मारता है बॉक्स, और जिमी शेरगिल की आंख लाल, उसको एक आंख में मोतिया रहता है, उसके एक आंख से खून गिरता है, और पूरी पिक्चर में जो विनीत सिंह से बदला लेता है इतनी शिद्दत से बदला किसी ने आज तक बॉलीवुड में नहीं लिया किसी से भी। और जब जिमी शेरगिल से झगड़ा होने के बाद विनीत सिंह चले जाते हैं अलीगढ़ और या चले जाते हैं बनारस, और उनकी मुलाकात होती है कोच सर से, अरे बाप रे जिंदगी झंड वाह। लेकिन रवि किशन सलाम करते हैं कि तुझको घमंड वाह, क्या एक्टिंग रवि किशन ने जो कोच का एक्टिंग किया ना, उसका जो डायलॉग है सबका एक ही रंडी रोना है, नैतिक शिक्षा के चुतियापे में हम भी फंस गए वरना हम भी बढ़िया आदमी होते थे, बात बोल रहे लिख लीजिए
हमको बोलने का मौका दीजिए बाबू। रवि किशन ने जो काम किया भाई, और बिचार रवि किशन को किस तरह इंटरवल के बाद उसके घर में बड़े का गोश्त यानी कि बीफ लाकर कुछ लोग देकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये गोट का मांस है, और किस तरह से गौरक्षक लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हुए रवि किशन की ठुकाई करके चले जाते हैं। इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म, और क्लाइमैक्स से थोड़े देर पहले विनीत सिंह जब जिमी शेरगिल को मारने जाते हैं, वो MNC रहता है एरिया का, उसको एक पंच मारता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दर्शाता है कि इस देश में जो भी भारत माता की जय का नारा लगा दे, चाहे वो अन्याय कर रहा हो चाहे वो सच्चाई कह रहा हो, उसके लिए सारे गुना माफ है। अनुराग कश्यप की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म का नाम है मुक्काबाज। तो फ्रेंड्स क्या ये कहानी, आइए जानते हैं मेरे रिव्यू आमिर अंसारी के साथ। तो फ्रेंड्स फिल्म की शुरुआत होती है, जैसे आपको बताया गौरक्षक का एक सीन है, किस तरह से दो लोगों को झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है, वो लोग गली के गुंडे रहते हैं, बस पब्लिसिटी पाने की चाह है। तभी फ्रेंड्स एंटर करते हैं विनीत सिंह के डायलॉग। भाई जिसने भी लिखे इस फिल्म में एक नंबर डायलॉग लिखे है, उसका पहला सीन जब वो बाप घर पे जाता है पान खा के रात को, उसका बाप आके बोलता है शर्मा जी के लड़के को नोएडा में नौकरी मिल गया, सुना तुम साला, बोलता क्यों नहीं रे, है मुंह में क्या रखा है, पान खा रहा है, पान खा रहा है, थूको पान कहां ठूके, जमीन पर ठूक देगा, हमारे मुंह पर थूको, मुंह पर ठूक देगा, आइए ठूकते बोला तो गांड से हक क्या आता, मुंह पर हगा भी डाल देते हैं वो सीन। और उसका बाप और विनीत सिंह के बीच में जो डायलॉग होता है क्रैकर की कैच। लेकिन फ्रेंड्स विनीत सिंह इज वर्किंग अंडर जिमी शेरगिल, जो कि एक बॉक्सिंग फेडरेशन चला रहा है। यस फ्रेंड्स वो यूपी के बॉक्सिंग फेडरेशन का मतलब बाहुबली ले लो, उसको सीरियसली बोल रहा हूँ। ये जो आता है विनीत सिंह कहता है कि ये तो बाहुबली है बॉक्सिंग का यहाँ पे, और विनीत सिंह को जितने भी ट्रेनिंग एथलीट्स है वो उनको नौकर बना के रखता है, किसी से प्याज कटाता है, किसी से चावल बनवाता है, किसी से गेहूं की बोरी उठवाता है। तभी फ्रेंड्स पहला सीन विनीत सिंह जब गेहूं की बोरी लेकर घर के अंदर जाता है, तब उसकी मुलाकात होती है जिमी शेरगिल जिसकी भांजी रहती है इस फिल्म में जोया। फैंटास्टिक सीन फ्रेंड्स, जोया को देखते ही विनीत सिंह को प्यार हो जाता है, और उसके प्यार में जब वो बाहर आके वापस जिमी शेरगिल की मालिश करना स्टार्ट करता है, तब वो जिमी शेरगिल पे गिर जाता है। जिमी शेरगिल का पहला सीन वो विनीत सिंह को बोलता है क्या रे साला अंधे हो, जा अंदर तेल लेके आओ मालिश करो। और जब विनीत सिंह कहता है हमें मालिश करने नहीं आया तुम्हारा, क्या सोचो हा? क्या सोचो हम खाना प्याज काटने आए, आप सबको प्याज कटवाता है, गेहूं उठवाता है, हम बॉक्सिंग सीखने आए, हम प्याज नहीं काटेंगे, हम तुम्हारा मालिश भी नहीं करेंगे, चलिए निकलिए। और जब जिमी शेरगिल बोलता है हमसे मुंह चलाएगा, और जब जिमी शेरगिल उसको लाफा मारने आता है विनीत सिंह 1-2 जिमी शेरगिल के नाक से खून, वो सीन गाइस एब्सोल्युटली क्रेजी फैंटास्टिक। और फ्रेंड्स तभी जिमी शेरगिल के सारे गुंडे विनीत सिंह को मार देते हैं, वो सीन मुश्किल है अपना मेल पिए, वो गाना भाई जिसने भी लिखा है डॉक्टर सुनील जोगी, इसने उस गाने के लिरिक्स लिखे हैं। स्टार्टिंग में हीरोइन जोया जो इस फिल्म में भागते भागते आती, उसका सीनम जोया है, भागते भागते आती विनीत सिंह को देखने के लिए, स्लो मोशन में गाना बज रहा है मुश्किल है अपना मेल पिए, विनीत सिंह को जिमी शेरगिल बोलता है अब लड़ ले साला बैंचोद बॉक्सर बनेगा, देखते हैं तो सारा बॉक्सिंग कैसा बनता है, बॉक्सिंग का सपना छोड़ दे, और उसको जेल में डाल देता है। फैंटास्टिक सीन। उसके बाद जो रहता है विनीत सिंह वो पागल हो जाता है, वो जेल से उसको चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर देता है। और फ्रेंड्स कहानी चली जाती है दो साल के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और घर पे जाके कहते हैं वो गूंगी रहती है, पूरी फिल्म में जोया का एक भी डायलॉग नहीं है, और जिस तरह से वो गूंगी रहती है वैसा कहती है, जिस तरह से रणवीर सिंह रामलीला में दीपिका पडुकोण को देखता है विनीत सिंह भी उसको देखता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन जो विनीत सिंह का बाप रहता है बोलता है रणवीर सिंह बंबई में रहता है ना, दीपिका भी बंबई में रहता है, भैया ये बरेली है यहाँ पे प्यार नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं उनका प्यार आगे बढ़ता रहता है, और किसी भी तरह से उन दोनों का प्यार स्लोली स्लोली चलता रहता है गाँव में। लेकिन जो मेन मोटिव है इस फिल्म का वो है बॉक्सिंग की लिस्ट लग जाती है वहाँ पे, और जिमी शेरगिल के वजह से विनीत सिंह का नाम उस लिस्ट में नहीं आता। जिमी शेरगिल के पास जाकर अब विनीत सिंह को माफी मांगनी है, वहां पे जितने भी कोच लोग हैं फेडरेशन के विनीत सिंह से कहते हैं कि तेरे पास एक ही उपाय है, अब जाके तू जिमी शेरगिल साहब से माफी मांग। वो सीन गाइस फैंटास्टिक। वो जाता है जिमी शेरगिल के पास, और जिमी शेरगिल बोलता है आओ, बाथरूम जाता है पूरा बॉटल में मूत पी के आता है और रखता है, बोलता है अच्छा माफी मांगना है, ये अमृत है, अमृत
अमृत समाज का पीलो, उसको मूत पीने बोलता है, वो सीन गाइस फैंटास्टिक काबिल तारीफ। लेकिन अगले दिन एंटर होती है बेदाग डिटर्जेंट की ओनर, यस फ्रेंड्स, एक मोटा सा लंगड़ा सा आदमी है, वो आता है उसके घर में और जिमी शेरगिल शादी फिक्स कर देता है सुनैना की, सुनैना यानी कि हमारी फिल्म की हीरोइन जोया, और वो गुस्सा हो जाती है, पागल हो जाती है, विनीत सिंह से कहती है तू कुछ भी कर, कल मेरी शादी फिक्स हो गई। विनीत सिंह अपने भाई ना दोस्त के साथ स्कूटर पे आते घर दूध पीता है, बोलता है प्यार करती है हमको बहुत प्यार करती है, और आके यू नो जो रहता है बेदा डिटर्जेंट वाला उसकी गाड़ी लेकर पार करके पत्थर मार के फोड़ देता है। जिमी शेरगिल बाहर आता देता है लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन उसके बाद क्या, सीधा विनीत सिंह को जेल में डाल देता है, जेल में उस पर जो ठुकाई जो कुटाई होती है सारे लोग मिलकर विनीत सिंह को फाड़ फाड़ फाड़, लेकिन विनीत सिंह फाड़ 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 उन लोगों के मार के भागता है। वहां का दरोगा रहता है पूरी फिल्म में, दरोगा उसका दोस्त बन जाता है और विनीत सिंह से पूछता है क्या रे कहा है तो उसके पीछे पड़ा है। हाँ जिमी शेरगिल के बोलता है, जिमी शेरगिल का जो नीचे वाला बीड़ी है ना वो तंबाकू नहीं है साले के। डायलॉग्स गाइस फिल्म के सबसे मेन पॉइंट है। लेकिन फ्रेंड्स वहां से उसको भेज दिया जाता है बनारस, क्योंकि यहाँ पर बरेली में तो उसका जितना मुश्किल है नामुमकिन है, जिमी शेरगिल उसको कभी बॉक्सिंग करने देगा नहीं। वहां पर एंटर करते हैं रवि किशन और वहां से टूर्नामेंट जीत के वापस आता है। लेकिन फ्रेंड्स उसको वापस बुलाया जाता है वहां पे, और किस तरह से इसके बीच में एक गाना आता है गाइस, यस फ्रेंड्स इसके बीच में एक गाना आता है जिसमें नन अदर देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहता है। यस फ्रेंड्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गाना है, और किस तरह से उस गाने में हमारे विनीत सिंह डांस करते हैं, उसके सामने जिमी शेरगिल बैठा है वो उसको पहचान लेता है, साले दो साल पहले तुझको मारा था ना गाइस, वो गाना मिस मत करना, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। लेकिन फ्रेंड्स घर वालों को पता चल जाता है यू नो विनीत सिंह के ये प्यार करता है सुनैना से, और उसके बाद विनीत सिंह यू नो जिस तरह से एक दिन सुनैना को अपने दोस्त के घर पे लेके जाता है, क्योंकि पूरा घर वैष्णो देवी की यात्रा पे गए, लेकिन उसकी दादी वापस आ जाती है, सुनैना बाहर निकल के सबको थप्पड़ में थप्पड़ मारते हैं। लेकिन उसके बाद जिमी शेरगिल को पता चल जाता है कि रवि किशन साला इसकी ट्रेनिंग करता है, वो सीन जब वो बुला के बोलता है बहुत गलत काम कर रहे हो, ट्रेनिंग मत करना। रवि किशन बोलता है तो सही काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट बॉक्सर है। तभी वो जात पात का डायलॉग आता है जो हमने स्टार्ट में बताया था, और फ्रेंड्स उसके बाद एपिक इतना फैंटास्टिक रहता है, और फ्रेंड्स टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, विनीत सिंह चले जाता है बनारस और गाना आता है सीख ले, तो सीख 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 जिंदगी कपै तोरा रफ्तार की आवाज में न्यूक्लियर का म्यूजिक, किसकी तुक्के चाटेगा किसका जान तू बांटेगा तू भटक भटक के भटक भटक गाइस फैंटास्टिक गाना। उसमें उस गाने में जो उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, ट्रेनिंग अगर आपको देखनी है तो हम लोग ने भी छोटा सा एक ट्रेलर रिएक्शन किया था, आप देख सकते हो मेरा मुक्काबाज का ट्रेलर रिएक्शन। और गाइस वो गंगा की घाट पे एक बच्चा पॉपिंग लॉकिंग कर रहा है, वो पॉपिंग लॉकिंग एंड विनीत सिंह भी पॉपिंग लॉकिंग, इतना बेहतरीन गाना। रवि किशन मुझ मनवा देता है, बोलता है सर जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नेशनल में नहीं होगा ना मूछ नहीं होगा, फैंटास्टिक गाइस। उसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जिमी शेरगिल वहां के रेसलर रहता है उसको इतना इतना डोप देता है ना, पूरा इंजेक्शन देता है, वो सारा फूट जाता है। रिवेकेशन बोलता है देख बेटा तू उससे नहीं जीत पाएगा, उसको इतना इंजेक्शन दिया है ना वो तुझे दो राउंड में नॉकआउट कर देगा। विनीत सिंह उसको थकाता है। क्या सीन गाइस, रिंग के यहां से कैमरा विनीत सिंह अप डाउन कट डाउन पूरा मार के कैसे भी करके उसको हरा देता है। लेकिन फ्रेंड्स वहां से कहानी आगे बढ़ती है, अब वो जीत जाता है और जीतने का उसको रेलवे में नौकरी मिल जाती है। रेलवे में नौकरी मिलने के बाद दोनों की शादी पक्की हो जाती है। लेकिन तभी जिमी शेरगिल यू नो उसके बाप को बुलाता है, किसके बाप को, सुनैना के, बोलता है देखो भैया वो हमारे जात का भी नहीं है, अगर शादी हुई ना तो तुम हमारे मर जाओगे। लेकिन फिर भी इंटरवल के पहले शादी हो जाती दोनों की। लेकिन फिर इंटरवल के बाद स्क्रिप्ट सॉलिड पेस पकड़ती है, दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। विनीत सिंह को ऑब्वियसली नौकरी लग जाती है, वो साइन लैंग्वेज क्लास ज्वाइन कर लेता है, सुबह रेलवे की नौकरी करता है, शाम को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। लाइफ टेंशन वाली हो जाती है विनीत सिंह के लिए, उसकी बीवी उससे झगड़ा करती रहती है, बाप भी उसका सटकेदा रहता है। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद पूरे रेलवे ऑफिस में वो काम करता है, वहाँ का जो ऑफिस का यू नो जो बॉस रहता है वो उसको वेटर जैसा बना देता है, पानी लेके आओ, टेबल साफ करो, भाजी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। उसके बाद जो उसके बॉस को पकड़ के बोलता है वो तो बताना बनता है, बॉस उसका बॉस बोलता है यार इधर आओ, चाबी लो, अंजा क्रेडिट कार्ड भी लो, जाओ हमारा बीवी का शॉपिंग करने का मन कर रहा है, शॉपिंग करा के वापस घर पे लेके आना। विनीत सिंह बोलता है सर आपका चपरासी छुट्टी पे गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्या बोला रे साला चूतिया, काम नहीं करेगा। ए साला चूतिया किसको बोला रे, हैं जानते ना हम कौन है, माइक टायसन है यूपी के, एक जगह ना प्राण पहार हो जाएगा, दू क्या। उसके बाद उसका बॉस पेशाब कर देता पैंट में, देखिए ये साला हमारा बॉस है, पैंट में पेशाब कर दिया।
अगली बार साला हमको परेशान किए ना, ये वीडियो वायरल कर देंगे। फैंटास्टिक गाइस, चलो ऑफिस का तो टेंशन खत्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एंटर हो जाते हैं वहां पे जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल विनीत सिंह की जिंदगी झंड करके रख देता है। विनीत सिंह की जो बीवी रहती है उसके बाप को किडनैप कर लेता है, उसकी माँ को किडनैप कर लेता है, उसके बाप के दोनों पैर तुड़वा देता है, सुनैना को किडनैप करके पूरा ड्रग्स लेता है, उसको तलाक के कागज भेज देता है। विनीत सिंह एकदम परेशान है, जिंदगी से हार गया, पूरे गांव में ढूंढता है, पूरे गांव में फोटो लेके ढूंढता है, लेकिन उसकी बीवी कहीं नहीं मिलती। रस्तों के बीचों बीच विनीत सिंह जिमी शेरगिल को रुका के बोलता है, बताओ हमारी बीवी का है, बताओ। लेकिन जिमी शेरगिल ने सेकेंड हाफ में काम किया, फैंटास्टिक। अब उसका अगला टारगेट जो रहता है फ्रेंड्स, वो है रवि किशन। रवि किशन को वो बीफ केस में फंसा जाता है, इतना मार खाता है रवि किशन के विचार, रवि किशन कोमा में चले जाता है। और जब विनीत सिंह कहता है, कोई बोल के कहता है मीट था, हम अंदर ही बैठे थे, बीफ नहीं था रे वो, लेकिन पुलिस से झूठे दस्तखत करा देते कि जिमी शेरगिल ने तुम लोगों को मारा नहीं है, तुम लोगों की जान बचाई है। और विनीत सिंह को बोलना पड़ता है, रवि किशन कोमा में है, और उसके बाद किस तरह विनीत सिंह उसकी बीवी और उसकी माँ को छुड़ाने के लिए जाता है, जहाँ वो लोग किडनैप हुए, वो सीन भाई एक नंबर, क्या मार के लोग को छुड़ा के लेके आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेशनल के कॉम्पिटिशन स्टार्ट होते हैं, 20 मिनट का कंटिन्यूस फाइटिंग, विनीत सिंह वर्सेस ऑल द बॉक्सर्स, एपिक। और एक रात को जब वापस विनीत सिंह और जिमी शेरगिल की मुलाकात होती है, और उसको मुक्के मारता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और गाइस, उसके बाद क्या होता है एंड में, क्या विनीत सिंह जिमी शेरगिल के बोलने पर बॉक्सिंग छोड़ देता है, क्या रवि किशन कोमा से बाहर आता है, क्या जिमी शेरगिल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है, अपनी जो भतीजी रहती है उसकी शादी तुड़वा देता है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको अनुराग कश्यप का नॉकआउट देखना होगा, जिसका नाम है मुक्काबाज। मैं देता हूँ इस फिल्म को 5/5 stars। अगर आप इस हफ्ते फ्री है तो इस फिल्म को जरूर मिस नहीं करिएगा। बिहार यूपी में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है वर्ड ऑफ माउथ से। सो फ्रेंड्स, अगर रिव्यू पसंद आया तो फिल्म मुक्काबाज़, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें हम अंसारी सारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।